आप लोग के सामने एक गाभिन पड़िया को दिखाया जा रहा है। अभी हम जिस जगह पे पहुंचे हैं वो गांव है देमैथा। देमैथा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित एक गांव है। भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अजीत यादव हैं। और पूरा पता बताइए कि जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मालूम चले कि किस गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। रामपुर देमैथा तहसील जमनिया जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश। तो ये भैंस बिकाऊ है ना, पड़िया, माफ कीजिएगा, पड़िया है। अभी हम लोग के तरफ जो है इसे पड़िया का ही शब्द इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि अभी ये भैंस बनने वाली है ना। ये गाभिन पड़िया है और ये बिक्री के लिए जो है मौजूद है। आप लोग इसके चाल ढाल को देखिए, कोई भी कमी नहीं है, अच्छी खासी चाल से ये आप लोग को चलती जो है नज़र आ रही होगी, है ना। हमें सुबह खबर लगी कि इस जगह पे आप चले जाइए और यहाँ पे जो है एक पड़िया है वो बिक्री के लिए है। तो हम इस जगह पे आए हैं और आप लोगों को यहाँ से जो हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है उस चीज़ को दिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो अभी कितना समय लग जाएगी भैया बच्चा देने में? 10-12 दिन। दस से लेकर 12 दिन का समय बताया जा रहा है। आप लोग ये मान के चलिए कि 15 रोज जिस हिसाब से हम देख रहे हैं। तो इसके इसकी जो माँ थी वो माँ कितने में बिकी थी, कुछ आइडिया दीजिए। तो 1,45,000 मिल रहा था इसी मेले में दिलदार नगर में। अच्छा, इसकी माँ का बिकी थी 1,00,000+ में बिकी थी। इसकी माँ 1,00,000+ में बिकी थी। और दूध कितना कर रही थी? दूध तो 7 लीटर टाइम पे, 7 लीटर टाइम, 7.5 लीटर। जानकारी के लिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस भैंस की जो माँ थी हमारे सामने ही बिकी थी। एक सौदा हुआ था दिलदार नगर के पशु मंडी में जो कि 1,00,000 रुपए से ऊपर ही बिकी थी। बहुत से भाई चाहते हैं कि उन्हें भैंस मिले या खरीदे तो किसान के घर दरवाजे से खरीदे, उनके लिए ये विकल्प जो है सबसे बढ़िया। भैया एक अनुमानित जो है इसका आप कीमत बताइए कि किस कीमत में भैंस ये पड़िया जो है आप दे देंगे? 1,15,000 मांगे इसका, मांग किए हैं 1,15,000 के, है ना। अपना संपर्क सूत्र भी बताइए, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखिए। हाँ हाँ बोलिए। 8081 47 3849। शुभ नाम? शुभ नाम सुंदर यादव है उनका। अच्छा जी, ये सुंदर यादव जी का मोबाइल नंबर है। जो भी भाई इच्छुक व्यक्ति होंगे इस तरह की भैंस के खरीदारी करने वाले या पणिया की, है ना, तो जरूर संपर्क करें। ले चलिए, काफी अच्छी पड़िया है। क्या कहूँ, बताओ।